तेरे घर के हालात देखकर मुझे तो इतना समझ में आ गया, तेरे भैया तुझे अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। देख आर्यन, अच्छी पढ़ाई करने के लिए अच्छी सुख सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, और तेरे भैया ये कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो भाई, क्लास में जो तुम्हारी बेइज्जती होती है उसे सहने की आदत बना लो। क्लास में सबके पास आईफोन है, बस मेरे पास नहीं है। इसके वजह से क्लास में दिन भर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मेरा दिमाग तो बस उसी उलझन में रहता है कि काश मेरे पास भी रहता। देख भाई, तेरी स्कूल में बेइज्जती होती रहेगी क्योंकि तेरे भाई आईफोन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ यार, पर बेइज्जती की वजह से मैं पढ़ाई तो नहीं कर पा रहा। अब तू तुम्हारा जिस वजह से बेइज्जती होता है वो कितने का आता है? यही 80,000 रुपये का। भैया रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए। तुम मुझे 15 दिन का मोहलत दो, मैं तुमको जरूर दूंगा 80,000 रुपये। क्या भाई, क्या एक्टर की तरह एक्टिंग करता है यार। और क्या यार, तू भी क्या इमोशनल लाइन बोला। तेरे भैया 15 दिन में 80,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गए। भाई पूरे प्लानिंग के साथ हमने सही काम किया क्या? बिल्कुल सही कहा। चल बैठ, चलते हैं। थैंक्स यार। कोई बात नहीं, साहब देख लीजिए, हो जाएगा। बोल रहा हूँ ना कि नहीं हो पाएगा, जाओ यहाँ से। देख लीजिए साहब, किसी तरह हो जाए। 3 महीने बाद दूसरा यूनिट खून निकलता है, तुमको समझ में आ रहा है? साहब कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, 10,000 रुपये पर 3,000 रुपये मैं लूंगा। मंजूर है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं साहब। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? 7 दिन तुम्हारा खून निकलेगा, तब जाकर तुम्हारा 8,000 रुपये इकट्ठा होगा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं साहब। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमारी इस महीने अच्छी कमाई हो जाएगी। चलो फिर आओ। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तूने इसे सेट कैसे करा। ये देख रहा है, ब्रांड है ये, जिसके पास रहता है वो कुछ भी सेट कर लेता है। तू टेंशन मत ले, तेरा भी आने वाला है ना आईफोन, इसकी छोटी बहन से तेरा भी सेटिंग करवा दूंगा। बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, इन दोनों को घेरे में लेना है। चल अभी चल। अभी रुक जा भाई, इन दोनों से तो अच्छे से निपटेंगे। किचड़ में काम करने वाला इंसान क्या आईफोन दिलवाएगा तेरे को? भैया जो एक बार कोई बात बोल देते हैं भाई, वो करते हैं, देखते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है, बाकी देखते हैं। अरे भाई, आ गए स्कूल से? हाँ घर जा रहा हूँ। रुको, ये लो पैसे पकड़ो, और रोज ऐसे एक एक दिन के अंतराल पर देता रहूंगा। देखा मेरे भैया जबान के कितने पक्के हैं। मान गए रे तेरे भैया को। हाँ यार, अब मेरे पास भी आईफोन 14 हो जाएगा 15 दिन के बाद। अभी 14 क्यों, 15 ऑर्डर करते हैं। 15? हाँ। अबे 15 ऑर्डर करने के लिए पैसे चाहिए ना यार, अभी पैसे कहाँ है 80,000। अबे यार तू उसका टेंशन मत ले, मैं अपने पिताजी के क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर कर दूंगा, तब तक तेरे भैया पैसे दे देंगे। क्या? हाँ। अबे मान ले भैया पैसे नहीं दे पाए तो कैंसिल कर दूंगा। जल्दी ऑर्डर कर। हो गया। अच्छे से पंपिंग करते रहो। ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम अपना जान हथेली पे रख के खून बेच रहे हो, ऐसा क्या कीमती चीज लेना है भाई तुमको? है एक कीमती चीज। क्या है वो कीमती चीज? हम नहीं बता सकते। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बताना है तो बताओ, नहीं तो मत बताओ। ये पकड़ो अपना पैसा और चलो भैया, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। अबे कब तक इंतजार करेगा, नहीं आएगी, चल। अभी मुझे पूरा भरोसा है वो आएगी, तू रुक तो सही। अभी यार आ गई, चल 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 बाइक लेकर चल। अभी चल, तुम समझ गए ना क्या करना है? हाँ चलो। वो हमारी लव है, किसी की इतनी मजाल कि हमारे लव को छेड़े। अरे भाई वो लव तो मेरी भी है। क्या? अरे यार उसकी छोटकी बहन। अच्छा तब तो ठीक है। तुम चिंता मत करो, सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, फिर तो उन दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा, तुम समझ रहे हो ना? हाँ। तुम शरीर बनाने पर ध्यान दो। अरे भाई तुम स्कूल नहीं गए? अरे भैया दुविधा है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं क्या करूं? मेरे को एक बात बताइए, आपका तबीयत खराब है क्या? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आपका आवाज बदला बदला सा है।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खेत में काम ज्यादा है ना इसलिए तुमको लग रहा होगा। भाई तुम टेंशन मत लो, मेरी तबीयत ठीक है। अरे मेरे को आपके तबीयत का टेंशन नहीं है, मेरे को टेंशन इस बात का है कि आज मेरा प्रैक्टिकल है और आज ही के दिन आईफोन का पार्सल भी आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा दोनों एक साथ कैसे क्या करूं। लो भाई पैसे। अरे भैया मैं आपको बताना भूल गया था, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है? पैसे का काम खत्म हो गया है, आप ये पैसे रखो, 2000 रुपये मैं ले लेता हूँ, बाकी पार्सल का। अरे मेरे को एक आइडिया आया भैया, आप पार्सल लेने चले जाओ। हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है भैया, करना कुछ नहीं है, शंकर दादा की दुकान पर आप चले जाना, पार्सल वाला वहीं पार्सल छोड़कर जाएगा, ठीक है? शंकर दादा की दुकान पर जाना है, मेरा नाम उनको बताना है और पार्सल लेकर चले आना है, कुछ करना नहीं है, सिंपल है, शंकर दादा को मेरा नाम बताना, वो पार्सल दे देंगे। तू अपनी बहन से बोल दे मेरे दोस्त को धमकी मत दे, मेरे पास iPhone 14 है, उसके पास iPhone 15 है, समझी क्या? चल ठीक है रख, मंदिर के पास मिल, आ रहा हूँ। अरे यार तू कितना लेट कर देता है भाई। अरे यार भैया को बहाना करने में टाइम लग गया कि आज मेरा प्रैक्टिकल है, इसी चक्कर में लेट हो गया। चल ठीक है भैया को छोड़। सुन मंदिर के पास आज मेरी जिया आ रही है और तेरी वाली भी आ रही है, उसकी बहन, समझा क्या? हाँ चल चल जल्दी चल चल चल। अरे यार एक के साथ दो शुभ काम हो रहा है, फोन भी आ रहा है और मेरी वाली। रुक 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 कहाँ भाग रहा है, रुक रुक पकड़ इसको, पकड़ पकड़, कहाँ भाग रहा है? बहुत दिन से तुमको घेर रहे थे, आज लपटी आ गए बबुआ। तुम लोग पढ़ने आते हो कि लौंडियाबाजी करने आते हो? हमारे लव को लपेटना चाहते हो? नहीं भैया मैं लौंडियाबाजी करने नहीं आता, वो मेरा दोस्त, मैं तो बस उसके साथ आया था, वही मेरे को बोला। और इसको पकड़ 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 रहा हूँ। क्या है उसका दोस्त भैया? बस बस अबे रुक रुक, तेरी तो कहाँ भागा जा रहा है, अमीर बाप का सिंगल पछली, रुक आज तेरा दोस्त नहीं बचेगा। गोलू, ए भाई गोलू, ओए उठो गोलू। अरे यार, अरे मैं सच कह रहा भैया, मैं तो बस उसका दोस्त हूँ। क्या हुआ? अरे वो तो भाग गया। भाग गया, चलो इसको मारो। अरे भैया नहीं, खून बेच बेच के ये चीज खरीदा है, ऐसा क्या इसमें खास चीज है? खोल के देखता हूँ क्या है इसमें। मैं आज के बाद इधर नहीं आऊंगा भैया। अरे तू आज के बाद तू नहीं आएगा, अगर आएगा ना तो तुझे और पीटूंगा। चल जा, चल जा यहाँ से। आज के बाद दिखना मत कभी इधर। आप कौन है? ये देख रहे हो कटा हुआ सेब, खून बेच के इन्होंने खरीदा है। हमारी ड्यूटी हुई यहीं से खत्म, तुम्हारी ड्यूटी चालू, इनको ले जाओ हॉस्पिटल, नहीं तो ये मर मुरा जाएंगे। भैया मेरे भाई की जान बचा लो भैया। भैया भैया आप ये फोन रख लो, लेकिन मेरे भाई को बचा लो भैया, मैं बहुत गरीब हूँ भैया, बचा लो। चलो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर देते हैं।